हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो भी है डिफेंस से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा डिफेंस वर्किंग है और कौन सा नहीं। और आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कौन सा डिफेंस किस तरीके से वर्क करेगा और उससे छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम जो जानने वाले हैं जिस डिफेंस के बारे में, वो कुछ ऐसे है। अगर इस तरीके से पकड़ लेते हैं तो बहुत से लोग बहुत टाइप के डिफेंस बताते हैं, जो कि आज हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में वर्किंग है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये डिफेंस वर्किंग है या नहीं। पकड़ो, जब इस तरीके से कोई पकड़ लेता है तो लोग क्या बताते हैं आपको, बहुत से जगहों पर ऐसा मिलता है कि हम यहाँ से हाथ डालेंगे या फिर इधर से हम अपने हाथ को अंदर निकाल के, ढीला करो थोड़ा सा, अंदर निकाल के इस तरीके से करके हम छुड़ा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्किंग नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, मान लिया कि अगर हमारा हाथ यहाँ पर आ गया, उसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ तब तो छोड़ देगा, लेकिन मेरा हाथ यहाँ अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि मैं जो हूँ पूरी कोशिश कर सकता हूँ लेकिन अंदर नहीं आएगा। फिर इसको यहाँ से हम ले जाएंगे तो भी अगर टाइट कर लिया तो मेरा हाथ यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो अभी मैं इस तरीके से हाथ तो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब देखिए, बाई चांस मैं ऐसा कर भी लेता हूँ, मैंने ऐसा किया और ऐसा मैंने कर लिया, फिर मैंने अपने ही हाथ को पकड़ा जैसा कि अभी दिखाया जाता है, और अपने हाथ को भी पकड़ लिया और यहाँ से इसको छुड़ाने में ताकत लग रही है। मान लिया हमारे पास पावर है, मैंने छुड़ा भी लिया, छोड़ दो ये हुआ, मैंने ये कर लिया, तो इसमें तो बहुत ही माइनस मार्किंग है। तो मान लिया हमने ऐसे कर भी लिया, डिफेंस में हमने छुड़ा लिया और इस तरीके से कर लिया, तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या कर सकते सिद्धार्थ? तो देखा आपने, हमारी नज़र में ये डिफेंस फेल्ड है, क्योंकि ऐसे नहीं छूटना है। और अगर मैं कहूँ इससे कैसे बचेंगे, तो बचने के लिए है, लेकिन उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, इसमें भी पावर होनी चाहिए, लेकिन पावर होते हुए भी आप इसमें मेरे ख्याल से डिफेंस नहीं कर सकते। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको इतनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी को अपने बॉडी पे वेट उसका लेके नीचे की तरफ पटक सकें। लाइक पकड़ो, अब अगर उसने ऐसे पकड़ लिया है तो सिंपल सा मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने इसकी भी रील बनाई है, एक इधर से मारना है, दूसरा इधर से मारना है, और तीसरे में अपने हाथ को इधर ले जाना है और यहाँ से घुमा देना है, ठीक है, और पटक देना है, लग गई, सॉरी। तो ये आपने जैसा देखा, इस डिफेंस से इस तरीके से तो बचाव नहीं किया जा सकता, मतलब मेरी नज़र में चाहे जितना आप पावर लगा लो, आप इस तरीके से नहीं छुड़ा सकते। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी छुड़ाने के लिए आपको पावर चाहिए, लेकिन वो वर्किंग है, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से पकड़ लिया है तो कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपको बचाव करने के लिए कुछ तो करना होगा। एल्बो, वन अटैक, टू अटैक, और थ्री में इधर गए, यहाँ से पटक दिया, और चाहे तो जैसा कि अभी आपने देखा, आप इस तरीके से चाहें तो आप डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला तरीका वर्किंग नहीं है, ये वाला वर्किंग है, लेकिन तब जब आपके होल बॉडी में पावर होगी, तो बढ़ाइए अपने बॉडी में पावर और तब आप डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन एज सिचुएशन जैसी होगी वैसे है।